हिंदुओं का नया साल यानी कि गुड़ी पड़वा पूरे देश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी का मतलब होता है विजय पताका, जबकि युग और आदि शब्दों से मिलाकर बना है युगादि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, जो आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। 2023 में गुड़ी पड़वा 22 मार्च को मनाया जाएगा। चलिए आपको गुड़ी पड़वा 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 22 मार्च को सुबह 6:29 से गुड़ी पड़वा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, वहीं 7:39 पर खत्म हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। गुड़ी पड़वा हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ी को घर पर फहराने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जीवन में भाग्य और समृद्धि आती है। ये दिन वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक है और इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन सोना या नई कार खरीदना शुभ होता है। चलिए आपको बताते हैं गुड़ी पड़वा की पूजा विधि के बारे में। गुड़ी पड़वा के दिन साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर शरीर पर उपटन लगाकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन के लिए साधक नई चौकी या वेदी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर हल्दी या केसर से अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद कमल के मध्य में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और विधि विधान से ब्रह्मा जी की पूजा करें। इस दिन घर के सामने झंडा या पताका फहराई जाती है और घर के दरवाजे पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। ध्वज को पीले रेशमी आभूषणों, फूलों और आम के पत्तों से सजाया जाता है। सिंदूर और हल्दी से बना एक शुभ स्वास्तिक बनाया जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को पानी के साथ और भी अन्य वस्तुएं दान देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।